वेलकम टू फाहीम्स ब्लॉग। मैं फाहीम हुसैन। आज कोई नया जगह नहीं, कोई नई कोई हिस्टोरिकल जगह नहीं है कोई, पर एक नया मूवी का रिव्यू बताऊंगा मैं आप लोगों को मेरे इस ब्लॉग में। और मूवी है असम की मूवी है, सबका हार्ट टॉप जुबिन गर्ग की मूवी है, जहाँ पे सिंगर डायरेक्टर एक्टर सब कुछ सिर्फ एक ही बंदा है, वो है जुबिन गर्ग। लेट्स सी कंचनजंगा। मोर कोनो जाति नाय, मोर कोनो धर्म नाय, मोर कोनो भाषा नाय, मय मुक्त, मय कंचनजंगा। तो दोस्तों, मैं अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा मूवी कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा राइज मूवी इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के असम स्टेट्स के सिंगर जुबिन गर्ग ने डायरेक्ट किया है। इसका प्रोड्यूसर, इस मूवी का प्रोड्यूसर है गरिमास सैगिया जी। प्रोडक्शन आई क्रिएशंस के अंडर प्रोड्यूस किया गया है। कंचनजंगा मूवी के बारे में जानने से पहले थोड़ा दो बातें जुबिन गर्ग के बारे में होनी चाहिए। जुबिन गर्ग को गोल्डी दा भी कहा जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट के हार्ट थ्रोब जुबिन गर्ग हैं। ऐसे कोई बच्चे नहीं होंगे, ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं होंगे जो जुबिन गर्ग के गाना नहीं सुना हो। जुबिन गर्ग का बहुत सारे गाने बॉलीवुड में भी बहुत ही हिट रह चुका है। गैंगस्टर मूवी के या अली से लेकर क्रिश मूवी के दिल तू ही बता कर और भी कई सारे बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं। बॉम्बे टू बैंकॉक मूवीज के, मौसम सुहाना, बहुत सारे एल्बम्स, बहुत सारे आसामीस एल्बम्स, बहुत सारे हिंदी सॉन्ग्स, नेपाली सॉन्ग्स, और दूसरे लैंग्वेज के भी बहुत सारे सॉन्ग्स जुबिन गर्ग ने गाया है। अभी हाल ही जुबिन गर्ग ने ये बताया कि जुबिन गर्ग ने अभी तक जो काउंटेड सॉन्ग्स हैं, जिनके कलेक्शन उनके पास है, वैसे लगभग 16,000 सॉन्ग्स गा चुके हैं जुबिन गर्ग ने पिछले 15-20 सालों में। जुबिन गर्ग के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है। उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था एक रात में 37 सॉन्ग्स रिकॉर्ड करके नॉन स्टॉप 37 सॉन्ग्स रिकॉर्ड कर रही है। अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा कंचनजंगा के बारे में। कंचनजंगा मूवी में जुबिन गर्ग ने सोशियो पॉलिटिकल जो प्रॉब्लम्स होते हैं यंग जनरेशन्स को, जिनके वजह से आजकल के नौजवान को गलत रास्ता अपनाना पड़ता है, गलत काम में जाता है, आजकल के नौजवान अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उनके एक सिनेरियो इस मूवी में दिखाया है। जो मिडिल क्लास फैमिलीज जो होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग, उनको क्या प्रॉब्लम होते हैं, ये प्रॉब्लम्स के बारे में
इस मूवी में दिखाया गया है। बहुत साल पहले एक मूवी निकला था मोहन जायक जुबिन का, उस मूवी के जो सेकंड पार्ट है वो सेकंड पार्ट कंचनजंगा है ये भी कहा जा सकता है। कंचनजंगा मूवी लोगों ने कंचनजंगा मूवी को अपना लिया है, ये बात इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि दिस इज द फर्स्ट मूवी एंड दिस इज द ओनली मूवी टू ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ द बॉक्स ऑफिस ऑफ असम फिल्म इंडस्ट्री। पहला मूवी है जिन्होंने 10 दिन में 3.9 करोड़ कमाए हैं। मूवी का बजट था 1.5 करोड़। अभी द मूवी इन एन एक्शन समरी के टाइम में मूवी पे मूवी को मैं बताऊंगा आप लोगों को सबको कैसा है, क्या स्टोरी है। चार फ्रेंड्स होते हैं, चारों के अलग अलग प्रोफेशन होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली है सारे, सब अपने लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। स्ट्रगल करके कैसे एक करप्टेड सिस्टम में फंस जाते हैं और उस सिस्टम के अगेंस्ट कैसे फाइट करते हैं, यही मूवी है। और उनके साथ जो प्रॉब्लम्स होते हैं उन प्रॉब्लम्स के बारे में ये पूरे मूवी में दिखाया गया है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ ये मूवी देखिए। ये मूवी देखिए इसलिए इस मूवी से बहुत कुछ जानने को भी मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। सीखने को ये मिलेगा कि हमें हारना नहीं चाहिए किसी भी बात से, हमें होप नहीं छोड़ना चाहिए। जानने को ये मिलेगा कि कोई भी प्रॉब्लम्स हमारे लाइफ में आए तो वो प्रॉब्लम्स हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, कैसे स्ट्रगल कर सकते हैं, कैसे फाइट कर सकते हैं उस प्रॉब्लम से। इस मूवी की सबसे अच्छा बात यह है कि इस मूवी से आपको पता चल सकता है कि फैमिली कैसी है, माँ बहन पिता सब कुछ इस मूवी के हर एक कैरेक्टर 10 out of 10, मूवी के गाने 10 out of 10, मूवी के एक्टिंग 10 out of 10, मूवी के स्टोरी 10 out of 10। आप लोग भी रेट करिए, रेट करने के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज एंजॉय द मूवी। और आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन पे जाके कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, तब तक अपना ध्यान रखिए। सी यू इन माय नेक्स्ट ब्लॉग, बाय।